नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश का वार्ता आपके न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। जनपद सिद्धार्थ नगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के छित्रापार में जमीनी विवाद को लेकर चले ईंट पत्थर, 8 लोग घायल हो गए जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर 4 थाने की फोर्स पहुंची। वहीं मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रधान के सह पर और पुलिस की मौजूदगी में जमकर पत्थरबाजी किया गया। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस रुपए लेकर मार कराई है, कई बार शिकायत पत्र देने पर कोई कार्रवाई नहीं की। वही घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे, मामले की जांच कर रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि जो भी इस घटना में संलिप्त होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। पर मामला यही है साहब, हम सब अपना काम कर रहे थे नीचे में, वो आदमी राजकुमार प्रकाश ओम प्रकाश ठकुराई, ये सब विवाद में है, ये सब चढ़ा कर इन सबको मारपीट करा रहे हैं, कत्ल करा रहे हैं जानबूझकर, ये सब कत्ल करा रहे हैं। उसके बाद में जो आता है उसी को हम सबको यानी मारने में सब लोग हैं। पुलिस में आप लोग? पुलिस, हाँ, यहाँ पुलिस 3 पुलिस वाले के उनके मौजूदगी में सब झगड़ा हुआ है, लेकिन नाम नहीं पता है पुलिस का क्या नाम है, पर वो 3 पुलिस यहाँ अंदर में बैठे हुए थे प्रकाश के घर में। घायल है 8 लोग, एक एक्सपायर है, और 8 लोग में एक एक्सपायर हो चुका है, और प्रकाश प्रधान थाने पे 2 लाख रुपए दिया गया है। जो मुलजिम पकड़ा गया था वो मुलजिम रात में छुड़ा कर लेके आए, वो घर पर बैठा हुआ था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं साहब, जिस तरह हमारे भाइयों का खून हुआ है उस तरह हम लोग खून करना चाहते हैं उसका। अगर हमारे लड़के का हुआ है, बड़े जवान का, तो जवान का ही मारेंगे, हमको बुजुर्ग को नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, और नहीं तो उसका जीवन कारावास कराइए आप लोग। जितना है उसके राजकुमार का, ओम प्रकाश ठकुराई का, और 2-4 लोग हैं, इन सब का पंच बहादुर हो, ठुमर हो, पंच बहादुर, ये सब का कारावास करवाइए आप लोग। हमारा नाम रीना, पति का नाम धीरज। पूरा मामला क्या है? पहले बात बता, ये ओम प्रकाश हमारा इसी की जमीन पर पुलिस रहना है के 100 नंबर वाले रहना है, 50,000 दे ली थी पैसा दे के तमर आई थी कुदारी से मुड़ो आप करवा देना दस गए लाल मुड़ो ये छेत्रापार गांव है, ये थाना क्षेत्र उसका बाजार है, जिसमें जमीन का इनका आपस का विवाद था और उसको लेकर के कल मारपीट हो गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक युवक की आज मृत्यु हो गई है। अभी तत्काल इसको संज्ञान ले लिया गया है और इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी लोगों की अभी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। और इसमें जो विवाद था उसका भी अभी संज्ञान लिया जा रहा है, किस चीज़ के लिए विवाद है उसका भी जांच करके जो सही कार्रवाई है उसके भूमि विवाद का भी निस्तारण होगा, और जो जिसने भी अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर, इस विवाद में प्रधान का नाम बात आ रहा है, उसका क्या मामला है? अब पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जो भी साक्षी हैं उनका बयान ले रहे हैं, क्योंकि मौके पर वीडियो भी कई लोगों ने बनाया है, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष है और उसका भी वेरीफाई किया जा रहा है वो वीडियो, और उसको लेकर के जो भी उसमें दोषी होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।